सही हो जाएगा भाई को। ये 1 2 3 करते करते ये मुन्ने के बेबी कैसे हैं आप सभी लोग। शादी का तैयारी हो रही है और ये देखें इतना बड़ा पराठा बन रहा है। बताओ इतना बड़ा पराठा बन रहा है जी। नहीं ये नहीं बन रहा। मम्मा बी बनाना है। कौन कौन इस तरह बड़े बड़े पेड़े बनाते हैं फिर उसके बाद इसकी ऐसी कटिंग कर पराठे निकाले जाते हैं। आपको पता मैं बनाता हूँ घर में पराठे। अच्छा मम्मा बोल रही है अभी तो चले पराठे बनाते हैं। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है लेकिन बनाना तो है। चले फिर पकाते हैं। लड़की होती मेरे घर में तो ये काम वो कर लेती। कोई बात नहीं अम्मा आपके बड़े बड़े बच्चे हैं मुझे ही करना है सारे काम संभाल लेंगे। जब तक बहू नहीं आती बेटी बड़ी नहीं होती सारे काम मेरी जिम्मेदारी। नहीं नहीं मम्मा मैं हूं। चले भी मिलते हैं शहरी के बाद आप लोगों से। और बच्चा बहुत तंग कर रहा है आज जो है ना। आज शहरी बड़ी मुश्किल से बनाई है और खाई बड़ी मुश्किल से। अब वो सोएंगे अब हम उसके बाद नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सुबह बोले क्या दिखाऊं आपको। बोले मेरा सो रही है। जाग रही थी और ड्रामे कर रही है सो गई है। क्यों रो रहे हो क्यों रो रही हो। भाई के दर्द हो रहा है गले में। मेरा परेशान हो रही है छोटे भाई के गले में दर्द हो रहा है और मेरा बच्चा रो क्यों रहा है। सही हो जाएगा मैं अभी दवाई पिला दूंगी ना उसको। सही हो जाएगा। भाई को दर्द हो रहा है। मीरा आपने कुछ खिलाया था उसको। मीरा को मुन्ने को कुछ खिलाया था। मीरा रो रही है भाई के गले में दर्द हो रहा है। मोजा नहीं सॉक्स नहीं मिल रहा उसका। हाँ जी फ्रेंड्स तो सहरी करने के बाद नमाज पढ़ ली है और जो है बस सब सो गए हैं घर में। वो देखें रूम बंद है सब सो गए। मैं और बासिल जाग रहे हैं तो हमने सोचा मैं नमाज पढ़ रही थी पंचसूरा पढ़ी थी मेरे का बासिल थोड़ी सेटिंग चेंज करते यहाँ की ना तो मासी सुबह आ जाएगी फिर वो काम करके ना चली जाती है। वो बस वो सेटिंग में चेंज करते हैं। तो हम लोग सेटिंग करते हैं फिर आप लोगों को मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह। अल्लाह हाफिज़। तो मुझे काम है तो मैं बाहर आई हूँ और मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ वॉशिंग एरिया में। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। थोड़े से बेबी कपड़े धोने थे मासी धोती है लेकिन मैं बच्चे के कपड़े नहीं धुलवाती बिल्कुल भी उससे ना। मैं खुद ही धोती हूँ छोटे बच्चा है। मैं हाथी हाथ फटाफट मशीन में साफ हो जाते हैं कपड़े। तो मेरे यहाँ मशीन लगाई है बहुत बड़ा वॉशिंग एरिया है देखिए आप लोग। इसमें यहाँ सिलेंडर रखा हुआ है इधर लगा हुआ है होते हैं। ये ऊपर सर्वेंट क्वार्टर है देखिए यहाँ पर सर्वेंट रखे रहते हैं सब जगह से। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ समोसे। देखिए मैंने समोसे बना लिए हैं और ये चाइनीस इसका वो बनाया है इसमें शिमला मिर्च हरी प्याज चिकन डालकर और ये आटे का वो बनाया है जिससे मैं आपको। आप क्या कर रही हैं मीरा निकाल कर दे रही हैं। चलो जल्दी से जाओ। मैंने रेडी कर लिए हैं और जल्दी निकालो हटाओ दो ना चूल्हे पे से हटा दिया करो। देखो मैंने जब ही जहा तो मैं बोला था कि देखो अब बंद कर दो चूल्हा बंद कर लो। अब जो है ना ये आलू के मैंने बनाए चिकन आलू डालकर इसकी बॉल्स बनाऊंगी। हेलो गाइस हेलो गाइस मैं मम्मा के लिए मोबाइल लेकर आई। अच्छा आप मुझे एक बार बताओ आप रात को क्यों रो रही थी। मुन्ने को मोजा नहीं मिल रहा था। तो आप क्यों रोई थी मुन्ने का सॉक्स नहीं मिला था। तो फिर आप इतने आंसू से रो रही थी क्यों आपको रोना आ गया था। मेरे भाई को डेड हो गया था ना। सुनो मेरा बच्चा इतने प्यार करती हूँ भाई से। और मैंने आज बनाया है साथ में ये मसाले वाले छोले ब्लैक और फ्रूट चाट और जो है चने मिलते हैं। ए खाना नहीं अभी। और ये देखिए शरीर में क्या क्या है। और ये बोतल है खाने पीने के लिए पोटैटो स्टिक चीज़ी टू पोटैटो मेरे ख्याल से ये चीज़ बोल बोल। और अभी भाई कुछ स्लाइड फ्रूट चाट भी है और सो गए थे बच्चे ट्यूशन चले गए थे। और जब ट्यूशन चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे घर में कोई है ही नहीं सन्नाटा खामोशी। और ये खामोशी मुझे बेहद पसंद है बेहद बेहद पसंद है। आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी है माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि आज मैं बहुत बेहतर हूँ और वीकनेस भी सही हो गई है मतलब
समोसे छोले आज मेरे रोज खाने के बाद ना पेट बड़ा खराब हो जाता है आपका, तो इसलिए पकौड़े अवॉइड करें। मैं हाँ पता है हर साल खाना बनाती हूँ, अब मैं हर साल खाना बनाती हूँ, लेकिन इस साल मैंने फिर भी चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो माशाल्लाह बच्चों को पराठे भी चाहिए तो रफ्तारी भी चाहिए। कल मैंने साल में दो पराठे खाए माशाल्लाह। ऐसा नहीं बताते, नजर लग जाती है। रोजा रखते हो ना आपके? कितने रोज हो गए? 7 रोज हो गए पूरे? जितने भी रखे पूरे रखोगे? 30 रोजे रखोगे? और मीरब की व्लॉगिंग आप लोगों ने चेक करी होगी, अगर आप लोगों को खूबसूरत होना है तो आप लोग 1 2 3 करें, मीरब की तरह गोरा होना है तो मैंने ये व्लॉग में डाला था इसलिए कि ताकि मीरब की जो ये हरकत है ना ये मुझे हमेशा याद रहे। और मैं 1 2 3 तो ये 1 2 3 करते करते ये मुन्ने के बेबी के ऊपर ही गिर गई और बिल्कुल पाँव रख दिया उसके ऊपर ही, क्योंकि मैंने इसको यहाँ ब्लैंकेट में लिटाया हुआ था और बिल्कुल बच्चा सो रहा था, इसलिए मीरब ने उसे उठा भी दिया और मेरी जान निकल गई। मैंने लो कोई सुनो सांस ले जाए बच्चे की, क्योंकि वो एकदम पूरा उसने दोनों पाँव उसके पेट पे रख दिया सीधा। अब मुन्ने से माफिया मांग रही है मुन्ने के ऊपर चढ़ के ना, कल तो रो रही थी, अब बोली मुझे नहीं पता था आप सो रहे हो। इधर देखो क्यों चढ़ी आप, और अपना कितना गंदा मुंह हो रहा है ये देखो। अब बेबी रो रहा है ना, सॉरी बोलो उसको। सॉरी वो देख रहा है आपी ने मेरे साथ क्या करा है। सॉरी व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दुआ में, याद रखिएगा। बेबी तो मारा, बेबी को ही गोद में ले लिया।